तो आज के सेशन में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है जी, ये क्या क्या फंक्शनैलिटी है इसकी वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बनाना कैसे है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये जो टाइटल है आपका, जैसे ही आप मंथ चेंज करते हैं टाइटल भी चेंज हो जाता है, अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ। ये यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन लगी हुई है जिसमें मंथ लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ईयर भी लिखा है, ईयर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो है सैटरडे संडे वगैरह कैलेंडर चेंज होता है आपका, इवन आपके जितने दिन होते हैं उतने ही आते हैं। 30 का महीना है 30 आएगा, 31 का 31 है, 28 का तो 28 है। बॉर्डर भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और सैटरडे संडे येलो में आता है, कोई सरकारी छुट्टी हो उसके टाइम पे, किस में हो सकती है, मार्च में, हाँ तो वो ऑरेंज से आएगा। ठीक है, अगर किसी ने लीव लिया है तो वो रेड आएगा। दूसरा, ये सारी जो एंट्रीज हैं वो फार्मूला बेस है। ठीक है, ये बैकग्राउंड में एक डेटा पड़ा है, जैसे लीव कौन सी तारीख को होगी वो यहाँ से लेता है, और जो लीव किसने कब ली है वो यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे मैंने E02 हरीश की भी यही डाल दी लीव, तो आपको उस महीने में हरीश की भी उसी तारीख की लीव दिखेगी। तो ये सिस्टम हमने बनाना है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले सब कुछ उड़ा देता हूँ। यहाँ से भी डेटा वैलिडेशन में लिस्ट यूज करना आता है, तो सबसे पहले मैं इनमें डालूंगा, इनको वही रख देता हूँ, एम्प्लॉई आईडी, नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पहले एक लिस्ट देनी है मंथ की, तो डेटा वैलिडेशन में गया, लिस्ट चूज़ किया और यहाँ पे एंट्री कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मंथ की लिस्ट आ गई। अब इसी तरह से ईयर की करनी है डेटा वैलिडेशन, क्या चीज ये लिस्ट जो आपका आता है, अभी देखिए 2015 2016 2017 मैंने डाला, ओके किया, तो ये एक ड्रॉप डाउन फिल्टर टाइप एक ड्रॉप डाउन सा बन जाता है जिसमें यही एंट्रीज आ जाती हैं। इसमें क्या है कि इसके अलावा आप कुछ दे नहीं सकते, और ये सेल को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, ये डेटा वैलिडेशन मैं अलग से बताऊंगा, अभी फ़िलहाल मैंने लिस्ट ऐड करना बताया कि आप लिस्ट कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कैलेंडर पे। ठीक है, तो एक डेट का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले कुछ मैं आपको बाद में भी बताऊंगा उस कैटेगरी से रिलेटेड, पर यहाँ मैं हर कैटेगरी से फॉर्मूला उठा के लाऊंगा अभी फ़िलहाल। तो सबसे पहले मुझे बनाना है डेट जो कि इसके अकॉर्डिंग आए, क्योंकि मंथ चूज़ किया है तो पहला डेट उसकी होनी चाहिए। मैंने डेट का फॉर्मूला दिया, ईयर मांग रहा है मेरे से, ईयर मैंने नहीं, ये अलग चीज़ है, अरे वो नहीं है, अरे वो दिखने में सेम होगा ना, खाली दिखने में सेम होगा, हाँ वो लगा सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल वैसे हो सकता है, पर अभी हम उस उन फार्मूला को अभी देखा नहीं हमने। ठीक है, तो अभी ईयर लिया हमने, मंथ यहाँ से ले लिया और कॉमा करके डे भी ले लिया, डे कौन सा, पहली तारीख होनी चाहिए। तो ये हमारी उसकी डेट आ गई। अब इसको मुझे जो डिस्प्ले करना है वो कस्टम नंबर फॉर्मेट में मैं चला जाऊंगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा 2 बार D, जिससे डबल डिजिट में डेट फॉर्मेट आएगा। ठीक है, तो ये डेट है, अब इसको प्लस करता जाता हूँ, +1, और ये फार्मूला मैंने आगे तक कर दिया। ठीक है, 26 27 28 29 30
आगे जो ये एक आ रहा है 30 के बाद, ये अगले महीने का चला गया, तो हमें इस पे पहले रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि अगर आगे डेट नहीं है तो वहाँ ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है, प्लस करने में। तो यहाँ हमारी मिनिमम डेट 28 तो रहती है, 29 पे लगा देते हैं फॉर्मूला। तो हम हाँ हम ये कर देंगे, हाँ तो इफ अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है ईओ मंथ, और ये वाली डेट ले लेते हैं, ये ईओ मंथ क्या करता है, एंड ऑफ मंथ लिखा निकाल देता है किसी भी डेट का, कॉमा जीरो मंथ में डाल देता हूँ, तो मतलब करंट मंथ का हमें एंड डेट चाहिए। अगर ये डेट हमारी कैलकुलेशन इससे बड़ी हो जाती है तो ये क्या करेगा, ब्लैंक कर देगा, अदरवाइज सेम कैलकुलेशन चलने देगा, ठीक है। इसको मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है, हाँ जी, वॉइस मेरी आ नहीं रही, अच्छा अच्छा माइक म्यूट कर दीजिए सब लोग पहले, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब देखिए 30 का महीना है, म्यूट कर दीजिए सब लोग, 30 का महीना है तो वहाँ पे आ गया, पर अगर यहाँ पे फरवरी होता तो क्या होता, यहाँ पे एक एरर जनरेट हो रही है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन चल रही है प्लस वन, ये डेट में प्लस हो रहा है, पर ब्लैंक में जब प्लस होगा तो डेफिनेटली एरर जनरेट करेगा। तो इसके लिए मैं एक और फार्मूला लगा दूंगा इफ़ एरर का, इफ़ एरर, ठीक है। वैल्यू में हमने पूरा फार्मूला दे दिया, और अगर इस फार्मूले में एरर आती है तो वहाँ भी ब्लैंक आना चाहिए। तो ये फार्मूला मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अब क्या बन गया हमारे पास, ये कैलेंडर पूरा बन गया, अगर 31 है पूरा आ रहा है, 29 दिन है 29 आएगा, 31 और 30 है तो 30 आ गया, तो ये कैलेंडर बन गया। अब एक टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है जिससे हम नीचे वाली डेट को कैप्चर किया, मैंने लिंक दिया और फॉर्मेट में लगा दिया मैंने डी डी डी, तीन बार डी लगा दिया, तो क्या देगा मुझे, संडे सैटरडे, सैटरडे संडे मंडे जो भी होगा वो उस डेट के अकॉर्डिंग दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से चेंज करूँगा तो ये संडे मंडे भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस पर मैं एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ, बॉर्डर लगा दिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसके ऊपर, कि जहाँ सैटरडे संडे हो वहाँ पे येलो आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं और के अंदर, कि अगर ये पहली सेल, हाँ, अगर ये इक्वल टू सैटरडे हो या इक्वल टू संडे हो, एक्चुअली हाँ 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 तो इसकी जगह मैं ये ले लूँगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक डॉलर भी लगाना है मुझे, क्योंकि ये फार्मूला जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये इधर भी ड्रैग होगा, तो कॉलम तो ड्रैग हो जाने चाहिए, पर रो को ये स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे फोर्थ रो में ही है, तो रो पे मेरा डॉलर लग जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैंने कॉपी करना है और ये रेंज पूरी सिलेक्ट करनी है मुझे, और यहाँ पे न्यू रूल में जाके यूज़ फार्मूला में ये फार्मूला डाल देना है, और उसकी जगह फिल मुझे कर देना है येलो। तो जहाँ भी सैटरडे संडे होगा ये हाईलाइट हो जाएगा, कोई और मंथ
ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक गवर्नमेंट हॉलीडेज़ का मैंने बताया था कि गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हैं जैसे, तो अभी मेरे पास कोई नई लिस्ट नहीं है, मैं पुरानी वाली उठा लेता हूँ एक बार। फॉर्मूला नहीं, मैंने कुछ नेम्स को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं इनको दोबारा बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो हॉलीडे लिस्ट में मेरे पास ये डेट पड़ी है जिसमें छुट्टी हो सकती है, तो मैंने सिलेक्ट किया और इसको एक नाम दे दिया HL, हॉलीडे लिस्ट। ठीक है, तो अगर मुझे कोई डेट चेक करनी हो कि हॉलीडे है कि नहीं, कैसे चेक करूँगा? काउंट इफ का फॉर्मूला मैंने कल बताया था। ठीक है, रेंज क्या हो गई? HL। ठीक है, क्राइटेरिया क्या हो गया? कोई भी डेट हमारी, तो जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए डेट लिखूँगा, वो उसमें है कि नहीं, तो 9th जैन ही दे देता हूँ पहली डेट। तो अगर होगी तो 1 आ जाएगा, नहीं होगी तो 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ 19th कर दूँ तो 0 आ जाएगा। तो इसको कर दूँगा कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अगर वो डेट होगी तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो पहले इसके लिए बनवाना है वो फॉर्मूला। मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला टाइप करूँगा काउंट इफ, रेंज होगा ये HL कॉमा, क्राइटेरिया क्या होगा? ये डेट, इसमें भी रो लॉक कर दूँ। ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसके अंदर लगा दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, फॉर्मेट ऑरेंज, कुछ गड़बड़ है, 0 नहीं आया। ठीक है, तो जैसे छुट्टी होगी किस दिन? 9 जनवरी को, पर यहाँ सैटरडे है। ठीक है, येलो ही आना चाहिए। मार्च में देखते हैं, अप्रैल, इसमें कुछ गड़बड़ है, आ नहीं रहा। मार्च 10, 2015 है, करेक्ट 2015, ये आ रहा है आपका। ठीक है, हाँ जी, अच्छा, हाँ, बॉर्डर 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 अभी हाइड करना है। तो बॉर्डर के लिए मैं क्या लगाऊंगा, इसको ऊपर वाली सेल में चेक करा लेते हैं सिंपली। 28 के बाद आने के चांसेस हैं। फॉर्मूला मैं यही बना देता हूँ और इधर ही लगा देता हूँ कि मेरा अगर, हाँ, A4 इक्वल टू ब्लैंक है तो ठीक है। और इसमें मुझे 4 को ये करना पड़ेगा, डॉलर। कॉपी किया और इस पे लगाना है मुझे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल, यूज़ फार्मूला, ये फार्मूला डाल दिया। तो यहाँ पे बॉर्डर अभी जो आ रहे हैं आपका, ये ऑप्शनल सा आ रहा है ना, मतलब डिसेबल्ड सा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो है तो रहने दो और नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह का है कुछ। अगर मैं पूरा इसे इस तरह से कर देता हूँ तो अगर नहीं है तो लगा दो, होना ही चाहिए, और पूरा ब्लैंक मतलब है तो हटा दो। तो मैं ये 3 साइड से इसको हटा देता हूँ, एक साइड छोड़ देता हूँ। ठीक है, एक साइड क्योंकि लास्ट वाला क्लोज रहना चाहिए। ओके किया, ठीक है, हट गया। तो अगर फरवरी आता है मेरा यहाँ पे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं
यहाँ से हटा देता हूँ, इसके नीचे ही रख देता हूँ। और डिस्टरबेंस आ रही है माइक थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें लीव, अगर किसी की लीव एंटर होती है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर ये इक्वल टू एल है तो ये अलग से हाईलाइट हो, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्लिक किया और पूरा वहाँ तक जहाँ तक लगा हुआ है मेरा, न्यू रूल में गया, यूज़ फार्मूला, यहाँ कोई डॉलर नहीं लगेगा क्योंकि हर एक अपसेल अपनी वैल्यू चेक करेगा। रेड कर दूंगा और फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर इसमें कहीं एल आता है तो अपने आप इस तरह से हो जाए। दूसरा, टुडे की डेट जो होगी वो अलग ही फॉर्मेट में आएगी, तो ये भी करूँगा मैं कि अगर ये डेट इसमें भी रोल ऑफ कर दूंगा इक्वल टू टुडे हो जाती है, तो आज की डेट है तो न्यू रूल कंडीशनल यूज़ फार्मूला, और इसमें ये फार्मूला डाल दिया, फॉर्मेट में मैंने कर दिया फिल में ब्लू कर दिया हल्का, और फॉन्ट भी बोल्ड कर दिया, ओके ठीक है। तो आज की डेट कौन सी होगी अपनी, अगस्त चल रहा है 2016, ठीक है, तो ये आ रही है। तो इसमें ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर, तो जो फॉर्मूला हमने बनाए हैं यही सारे लग जाएंगे, पर उससे पहले एक हमें ये लगाना पड़ेगा अटेंडेंस के लिए, इफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए, अगर ये डेट जिसमें मैं कॉलम लॉक करूँगा ग्रेटर देन है इस डेट से जिसमें मैं रो लॉक करूँगा, तो यहाँ ब्लैंक होना चाहिए, अदरवाइज पी, ठीक है। तो ग्रेटर देन है तो आ रहा है, पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये वहाँ से स्टार्ट हो रही है 7th Jan से। इसके लिए पहले फार्मूला को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा 2015 में जाके क्या अटेंडेंस वहीं से स्टार्ट हो रही है जहाँ से हम चाह रहे थे, ठीक है, ये 16 से, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं कहाँ तक होनी चाहिए, टुडे तक, 8th पे जाते हैं, 8th 2016, ठीक है। अब यहाँ टुडे तक आनी चाहिए, तो इसमें हम जो फार्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे, ये पी हटा के, कि इफ ऊपर वाली डेट अगर बड़ी है टुडे से तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा, अदरवाइज पी आएगा, ठीक है। टुडे तक कंट्रोल्ड हो गई है। इसके बाद सैटरडे संडे लगाना था, तो यहाँ से मैं वो फार्मूला उठा लेता हूँ, सैटरडे संडे का पहले ही बना रखा है हमने, ये फार्मूला उठाया और से पहले और यहाँ पे जो है इस पी को हटा के इफ का फार्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कंडीशन क्या दी हमने, ये अगर सैटरडे संडे है तो यहाँ पे आ जाना चाहिए वीकली ऑफ, अदरवाइज पी, ठीक है।
वीकली ऑफ आ गया। अब हमें एक चीज करनी है कि हॉलीडे, हॉलीडे कैसे चेक कर रहे थे हम, ये काउंट का फॉर्मूला लगाया हुआ था हमने, ये वाला, इसको उठा लेते हैं। पी को हटा के इफ ब्रैकेट ओपन क्लोज, अगर इसमें हॉलीडे जो है ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है हमारे पास काउंट इफ के फॉर्मूला से, तो यहाँ पे हम डालेंगे एच अदरवाइज पी। तो हॉलीडे में देख लेते हैं एच आ गया। इसके बाद इनका बचा लीव का। अब लीव के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बना दिया हमने, क्या बनाया, यहाँ पे मैंने लिस्ट में उनकी आईडीज ले ली, मतलब आईडी लेने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको डाल देता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इसका नाम मैंने रख दिया ई आईडी, ठीक है। और डेटा वैलिडेशन की लिस्ट में मैंने यही सेलेक्ट कर लिया, यहाँ 20 तक कर लेता हूँ। डेटा वैलिडेशन लिस्ट में मैंने कर दिया इक्वल टू ईआईडी, ठीक है। तो इसके अंदर आईडीज आ गई मेरी, कोई भी आईडीज मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद नाम मैंने VLookup से उठा लिया, ठीक है। फिर लीव की डेट डाल दी कि कब किस बंदे ने लीव ली है। फिर मैंने एक काम किया, एक कंकैटिनेशन किया मैंने आईडी और डेट का, इसका और डेट का कंकैटिनेशन कर दिया। तो डेट जो कि नंबर है, एक यूनिक नंबर जनरेट हुआ। इसको किस लिए किया कि देखो डेट तो मैं फाइंड कर सकता था उसमें, पर बंदा भी तो फाइंड करना है कि किसने छुट्टी की है। तो मैं कुछ फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, लगभग इसको भी मैंने नाम दे दिया अलग से, 20 तक मैं जाता हूं, और इसका नाम दे दिया मैंने LR लीव रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस लिस्ट में जो आईडी चेक करनी पड़ेगी मुझे, कैसे करनी पड़ेगी, जैसे कि ये B4 एंड D4 कंकैटिनेट किया, वो LR में है कि नहीं, अगर है तो 1 आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 0, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, जिसको मैं यहाँ पे कैसे यूज़ करूँगा इस फॉर्मूले में। यहाँ मैंने डाला काउंट इफ LR, और इसके अंदर मैंने कंकैटिनेट किया आईडी, जिसमें मैंने कॉलम लॉक किया, कंकैटिनेट किया डेट के साथ, जहाँ मैंने रो लॉक कर दी और कहा कि क्या ये ग्रेटर देन 0 है, तो आया, ठीक है। अब ये फार्मूला काउंट इफ तक ले लेते हैं, ये फार्मूला मैं इस फार्मूले में डाल दूंगा पी हटा के, कि इफ ब्रैकेट ओपन क्लोज, अगर ये कॉम्बिनेशन मिलता है ऐसे तो वहाँ पे एल डाल देना, अदरवाइज पी डाल देना, ठीक है। तो जिनके नाम वहाँ पड़े होंगे वहाँ पे उनकी लीव आ जाएगी, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन चेक कर लेगा इसका और डेट का, तो वहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, जिसमें बस हमारा टाइटल बचा है। तो टाइटल के लिए हम सीधा लिख देंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ, एंड कर दूंगा टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा दूंगा, और ये डेट है मेरे पास, डेट का रेफरेंस ले लिया, फॉर्मेट में मैंने दे दिया MMMM फुल मंथ नेम डैश YY 2 डिजिट में ईयर, ठीक है। तो ये आ गया, ये इससे अटैच हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बस हाँ, हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिस
हाँ हाँ सब हो सकता है, ये बस एक तरीका है कि जो इससे कोई भी प्रोजेक्ट हमारा ऑटोमेशन होता है तो वो कैसे होता है, ठीक है। इसके आगे आप जब फॉर्मूलाइज और सीख लेंगे तो उसमें कैसे और क्या-क्या ऐड कर सकते हैं ये आपके अपने प्रैक्टिस के लिए। अगर ये चीज़ बिल्कुल नहीं आती है प्रैक्टिस के लिए तो इसको कम से कम 3 से 4 बार बनाएंगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी इन सब चीज़ों की। क्योंकि होता क्या है, अभी हम लोग वैसे ही काम करते हैं, यहाँ से सीख के जाएंगे, प्रैक्टिस होगी नहीं तो ऑफिस में फिर वही पुराने तरीके। तो प्रैक्टिस के लिए कम से कम, हाँ प्रैक्टिस के लिए 3 से 4 बार इसको बुलाना ज़रूरी है, ये मैं रिकमेंड करूँगा। क्योंकि इसी की वजह से मैं भी सीखा था आगे फार्मूला लगाना। ये कंबाइंड चीज़ है जिसमें आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा, कस्टम फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा और फार्मूलेज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो आज के लिए फिर इतना ही, ये फाइल मैं मेल कर दूँ। हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल।